हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में पूरा वर्णिका, जो वर्णिका होता है हिंदी का ही पार्ट है, जिसमें पांच पार्ट है और पांचों के पांचों कहानी है, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पूरा जो वर्णिका का किताब है, जो आपका सेकंड हिंदी है, दो हिंदी होते हैं, एक वो गोधुली एक वो वर्णिका, तो पूरा वर्णिका में पांच चैप्टर है। पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्योंकि टाइम कम है और हम लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसीलिए पांचों चैप्टर हम आपको अभी पढ़ा देंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करके ऑल पे दबा लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और सबसे पहले आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो यहाँ पे फ्री में क्लास होता है और आपको क्लास का भी लिंक दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं 82 35 67 2001, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको हाई लिख के भेजना है। और जैसे ही आप लोग हाई लिख के भेजिएगा, इधर से एक लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। और जिनको भी पीडीएफ लेना है, अगर अभी तक आप लोग कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं और आपको पीडीएफ और नोट्स की जरूरत है, यही पीडीएफ होता है जो आपके मोबाइल पे जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर को देखिए, 87 97 97 27 00, ठीक है ना। ये आपको नंबर सेव करना है और इस पे व्हाट्सअप, ठीक है ना, व्हाट्सअप पे जाइएगा तो इस नंबर के व्हाट्सअप पे स्कैनर का फोटो लगा है, उस स्कैनर पे किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, 249 रुपये में पीडीएफ आपको मिल रहा है, 249 रुपये आपको भेज देना है। और स्क्रीनशॉट आपको हमारे पास इसी व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते काफी अच्छी तरीके से। सभी बच्चे आप लोग जल्दी से यहाँ पे लाइव आएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए पगला डॉन बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पप्पू प्रजापति बहुत बढ़िया, संदीप अब्दुल बारिक भाई बहुत बढ़िया, अंकुश ब्यूटी बहुत ही बढ़िया, नरेंद्र कलुआ डॉन कुरकुरे बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे आप लोग आ जाइए। ब्यूटी बिगन पासवान भाई बहुत बढ़िया, अब्दुल बारिक, चलिए अर्जुन भाई बहुत बढ़िया। क्लास को एकदम शुरू कर दिया जाए काफी अच्छी तरीके से, तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्लास को अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और इसका देखिए, ये वर्णिका है, आपको याद रखना है, वर्णिका भाग दो, ठीक है ना, वर्णिका भाग दो। और पहला जो चैप्टर है, आप लोग चैप्टर का नाम सुने होंगे, दही वाली मंगमा। सभी बच्चे आप लोग जानते होंगे दही वाली मंगमा कहानी के भी बारे में, और आपको पता भी होगा, ठीक है ना, दही वाली मंगमा। इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। पांच चैप्टर है, पांचों को हम अभी पढ़ा के आपको खत्म करके दिखाएंगे। तो चलिए क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं, जोरदार तरीके से आपको लाइक करना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लगा चुके हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो दही वाली मंगमा है इसके कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे बोलते हैं ना कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए, तो इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आए हैं, सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास, इन्हें आपको याद रखना है, सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग याद करने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। अब यहां पे पूछा जाता है कि जो श्रीनिवास है, श्रीनिवास कौन है, तो दही वाली मंगमा कहानी के लेखक हैं, लिखे हैं दही वाली मंगमा कहानी, इनका पूरा नाम क्या है, तो मस्ती वेंकटेश अय्यर, इनका पूरा नाम क्या है, मस्ती वेंकटेश अय्यर है श्रीनिवास का पूरा नाम। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आता है, अब ये नहीं कि आप लोग याद नहीं करिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, यानी जो दही वाली मंगमा कहानी है इसके मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर कौन है। जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो उसमें मेन कैरेक्टर था, इसमें भी आपको बताना है इसका मुख्य पात्र कौन है, यानी मेन कैरेक्टर कौन है, या इसकी नायिका कौन है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसकी नायिका कौन है, ठीक है ना। तो
दही वाली जो मंगमा कहानी है इसका मुख्य पात्र कौन है, तो मंगमा है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। और थोड़ा सा मंगमा के बारे में जान जाइए, मंगमा जो है ये एक ग्रामीण महिला है, गांव की महिला है जो दही बेचती है, ठीक है ना, और इसका पति है जो इसको छोड़ देता है, ठीक है ना। तो ये अपने बच्चा जो है, इसका एक बेटा है, ठीक है ना, उसको पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा करती है, खुद दही बेचती है, दही बेच के पढ़ाती है, और इसका शादी करती है अपने बेटे का, ठीक है ना। अपने बेटे का जब ये शादी करती है तो इसका एक पोता होता है और इसकी एक बहू है, यानी टोटल एक मगम्मा है, एगो इसका बेटा है और उसकी पतो है और उसका एगो पोता हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे ही घर में बहू आती है, घर में लड़ाई शुरू हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग कहानी बता रहे, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए, घर में लड़ाई शुरू होने लगता है, जो बेटा है वो अपनी मां की बात नहीं सुनता है, अपनी मेहरारू का सुनता है, यानी अपनी पत्नी का सुनता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि दोनों में, अब बहू में या सास में लड़ाई होता है, तो बहू क्या होती है, सास से अलग हो जाती है, मंगमा अलग रहने लगती है, बहू अलग रहने लगती है। अब क्या होता है कि मंगमा अकेले हो जाती है, अब उसको दही बेचती है और दही बेच के बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है, ठीक है ना। तो और गांव में एगो और है रंगप्पा, ठीक है ना, वो मंगमा से चाहता था कि उसका पैसा ले ले, कर्ज वर्ज मांगते रहता था। तो जब ये बात नजम्मा कौन है, तो मंगमा की बहू है, जब इसके बहू को पता चलता है कि जो हमारी सास है वो बहुत सारा पैसा कमा ली है, और कहां पे मंगमा जो था वो पैसे कहां रखती थी, तो जमीन में गाड़ के रखती थी, ठीक है ना, जमीन खोन के उसमें पैसा डाल के फिर उसको बराबर कर देती थी, गाड़ के रखती थी पैसा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि फिर उसको पता लगता है कि रंगपा, इसकी बहू को पता लगता है कि रंगपा है जो गांव का जुआरी आदमी है, वो मेरी सास के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसका इज्जत भी लूटना चाहता है और मेरी सास का सब पैसा लेना चाहता है, हड़पना चाहता है। तो फिर बहू क्या करती है कि अपने बेटे को बुला, मतलब बहू का जो बेटा है, जो मंगमा का पोता है, मंगमा उसे बहुत प्यार करती है, पोते को क्या करती है, बहू पोते को उसके पास भेज देती है रहने के लिए, ठीक है ना। और धीरे धीरे जाके बेटा रहने लगता है। अब धीरे धीरे एक दिन उठते हैं बेटा और बहू, जाके मंगमा से माफी मांग लेते हैं और फिर चारों एक साथ रहते हैं। तो ये था छोटा सा कहानी, अब इसका आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाइए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो आपको याद रखना है मंगमा है, ठीक है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी जो दही वाली मंगमा कहानी है ये किस भाषा से अनुदित है, तो आपको याद रखना है ये कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है। कहां से, कन्नड़ लिया गया, कन्नड़ कहां की भाषा है, तो साउथ इंडिया, ठीक है ना, जो साउथ इंडिया मूवी होता है ना, साउथ इंडिया है, कन्नड़ भाषा वहीं का, ठीक है ना, यानी दक्षिण भारत की। तो दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगमा का क्या काम करती है, यानी जो मंगमा है बाबू वो कौन सा काम करती थी, तो मंगमा दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। क्या बेचती थी, दही बेचती थी। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। मंगमा किस शहर में दही बेचती थी, अब ये भी आपको बताना है कि जो मंगमा है वो किस शहर में दही बेचती थी। तो मंगमा जो थी ये बेंगलुरु में, आपको याद रखना है, दही बेचती थी। और मंगमा कहाँ की थी, तो ये जो मंगमा थी ये आपको याद रखना है बैकुंठपुर की थी, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। मंगमा के गांव का नाम क्या था, बैकुंठपुर था, इसमें छूट गया है, लेकिन जब ये पीडीएफ हम आपको पैड ग्रुप में देंगे तो उसमें इसके गांव का नाम लिख के देंगे, बैकुंठपुर। ये भी क्वेश्चन आता है कि मंगमा किस शहर में दही बेचती है, बेंगलुरु में, और मंगमा का गांव कौन सा है, तो बैकुंठपुर है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, शायद यहां, हाँ ये तो है, ये है, मंगमा कहां के रहने वाली थी, अब आपको बताना है कि मंगमा जी जो थी वो कहां के रहने वाली थी, तो बैकुंठपुर की रहने वाली थी, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही जाएगा। ये बैकुंठपुर गांव है, गांव से कहां ले जाती थी दही बेचने के लिए, शहर में, और कौन से शहर में ले जाके बेचती थी, तो बेंगलुरु शहर में बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। जो कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु, वहीं पे ये अपना दही बेचती थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगमा की बहू का नाम क्या है, यानी जो मंगमा है अपनी बेटा का शादी की थी मंगमा, तो उसकी एक बहू थी, तो उसकी बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा थी, और जो नजम्मा थी ना बहुत बदमाश थी, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। बहू जो थी नजम्मा वो बदमाश थी, तो मंगमा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, मंगमा की अपनी बहू से किससे विवाद था, ठीक है ना, किसको लेकर विवाद था। तो क्या हुआ कि जो मंगमा थी, ठीक है ना, एक मंगमा है, उसकी बहू है, और
बहू से एक लड़का पैदा हुआ है, ठीक है ना, जो मंगमा का पोता है। तो मंगमा जो होती है ना, मंगमा जो है वो अपने पोते से बहुत प्यार करती है। तो क्या होता है कि एक दिन जो बहू है वो अपने पोते को क्या कर रही थी, मतलब बहू अपने बेटे को खूब मार रही थी, ठीक है ना। तो ये देखती है मंगमा, बोलती है क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीटती है। इसी बात पे दोनों में झगड़ा हो जाता है, दोनों अलग अलग रहने लगती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, मंगमा अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था, क्योंकि जो मंगमा थी, मंगमा की जो बहू थी नजम्मा, वो अपने बेटे को पीट रही थी, ठीक है ना, इसीलिए झगड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है, अमराई का कुआं कहां स्थित है। यहीं पे रंगपा छुपा हुआ था अमराई के कुआं के पीछे, और जो मंगमा थी उसका हाथ पकड़ लिया था और क्या बोला कि इतनी जल्दी भी क्या है, यानी इज्जत लूटना चाहता था, ठीक है ना। तो अमराई का कुआं कहां स्थित है, तो आपको याद रखना है रास्ते में स्थित है, ठीक है ना। अमराई का कुआं कहां पे है, तो रास्ते में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे, यानी मंगमा के परिवार में टोटल कई आदमी थे। तो एगो मंगमा थी, उसका एगो बेटा था, बेटा शादी किया था तो उसका बहू भी थी, और इन दोनों से एगो लड़का पैदा हुआ था, यानी टोटल कितने लोग थे, एक दो तीन चार लोग थे, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि मंगमा के परिवार में टोटल कितने लोग थे, तो चार लोग थे, इसे आपको याद रखना है, डी वाला आंसर यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, यानी जो नजम्मा थी वो मंगम्मा की कौन थी। तो नजम्मा कौन थी, बहू थी, यानी बेटे की क्या थी, पत्नी थी। बहु नहीं देके यहां पे क्या दिया है, पुत्रवधु। पुत्रवधु का मतलब क्या, पुत्र की पत्नी थी जो नजम्मा थी, ये कौन थी, मंगमा की कौन थी बाबू, तो पुत्र की बहु, पुत्र की क्या थी, वधु थी, यानी पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। तो पुत्र वधु देगा या बहु देगा ऑप्शन में, ठीक है ना, तो जो भी देगा आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देता है, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, और बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि जो दही वाली मंगमा कहानी है किसको संदेश देता है। तो दही वाली जो मंगमा कहानी है ये किसको संदेश देता है, तो ये बहुओं को संदेश देता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा, दही वाली मंगमा किसको देता है, तो बहुओं को यह संदेश देता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि सास से मिल के रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। मंगमा को किससे विवाद था, तो मंगमा को किससे विवाद था, तो अपनी बहू से विवाद, विवाद का मतलब झगड़ा, ठीक है ना। तो मंगमा को किससे विवाद था, मानी मंगमा को किससे झगड़ा था, तो अपनी बहू से झगड़ा था। किसको लेकर झगड़ा था, यानी किसके लिए झगड़ा हो रहा था, तो पोते के लिए झगड़ा हो रहा था, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, शादी के बाद मंगमा से कौन अलग रहने लगा। शादी हो गया, बेटा का शादी कर दी, और बेटा क्या हुआ कि मंगमा से अलग रहने लगा, अपनी मेहरारू को लेकर अलग रहने लगा, ठीक है ना। तो शादी के बाद मंगमा से कौन अलग रहने लगा, तो आपको याद रखना है बेटा, जो मंगमा का बेटा है वो अलग रहने लगा अपनी मां से, यानी मंगमा से ये अलग रहने लगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन है। जुआरी का मतलब क्या, नशा में धुत है, पी रहा है शराब पी रहा है और जुआ खेल रहा है, ठीक है ना। तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो रंगप्पा था, इसे आपको याद रखना है। जो रंगप्पा था ये गांव में जुआरी किस्म का आदमी था, जुआ हुआ खेलता था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि मंगमा क्या बेचती है, तो जो मंगमा है बाबू ये दही बेचती है। क्या बेचती है, दही बेचती है, सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंगमा कैसी थी, और जो मंगमा थी नहीं, जो मंगमा थी ये अंधविश्वासी थी, ठीक है ना। ये अंधविश्वास नहीं होता, तो झाड़ फूक उसमें ज्यादा भरोसा करती थी। तो या जब भी एक क्वेश्चन आएगा कि मंगमा कैसी थी, तो मंगमा आपको याद रखना है ये अंधविश्वासी थी, ये झाड़ फूक में ज्यादा विश्वास करती थी, सी वाला आंसर यहां पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, यानी जो सास थी मंगमा और बहू जो थी नजम्मा, इन दोनों में झगड़ा क्यों हुआ। तो जो बहू का लड़का था ना पोता, मतलब जो बहू का लड़का था जो मंगमा का पोता था, तो बहू क्या की अपने बेटे को पीट रही थी, इसीलिए झगड़ा हो गया। यानी बहू द्वारा अपने बेटे को पीटने के लिए झगड़ा हुआ, मतलब पीट रही थी, इसी बात पे बोलती है मंगमा क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों मारती है, ठीक है ना, इसीलिए झगड़ा हो गया। तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग वही है, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा।
तो इसको थोड़ा प्यार से बोलना चाहिए, बहू है उसको राक्षसनी बोल दी, ठीक है ना। राक्षस की जो वाइफ होती है उसे राक्षसनी बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्यों अरे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने बोला, तो आपको याद रखना है मंगमा, और इसी बात के लिए लड़ाई हो गया, ठीक है ना। दोनों में पहले से ऐसे था, मतलब पहले से ही मन मोटाव था, लेकिन जब ये बोली ना तो उसके बाद लड़ाई हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया, ये वाला क्वेश्चन बाबू सबसे ज्यादा आता है, ठीक है ना, कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो बी आर नारायण ने किया। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि दही वाली मंगमा जो कहानी है वो किस भाषा में है, कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ से बाबू हिंदी में हमको करके दिया गया, क्योंकि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, वो तो कन्नड़ भाषा में लिखा है, हिंदी में किसने किया, तो बी आर नारायण ने किया। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी के जो कथावाचक है वो कहां के, यानी जो मंगमा दही वाली मंगमा कहानी है किसने लिखा है, श्रीनिवास। तो श्रीनिवास कहां के रहने वाले थे, तो आपको याद रखना है बेंगलुरु के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, बेंगलुरु के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। अगला यहां पे क्वेश्चन है, श्रीनिवास का जन्म कहां पे हुआ था, यानी जो लेखक है श्रीनिवास उनका जन्म कहां पे हुआ था, तो आपको याद रखना है उनका जन्म कर्नाटक, ठीक है ना, बेंगलुरु में है ये, जो बेंगलुरु है आपको याद रखना है ये कर्नाटक में ही है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा श्रीनिवास का जन्म कहां पे हुआ था, किस राज्य में, तो कर्नाटक में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कथाकार को बरसों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी, यानी जो कथाकार हैं, यानी जो कहानी लिखने वाले हैं, उनको मंगमा क्या देती थी बरसों से, तो आपको याद रखना है ये गांव से दही ले जाती थी शहर में बेचने के लिए, तो शहर में कथाकार रहते थे, यानी जो ये कहानी लिखे हैं वो शहर में रहते थे और मंगमा से दही खरीदते थे, इसे आपको याद रखना है। तो क्या देती थी उनको, दही देती थी, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पर बिल्कुल इसी हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मंगमा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम क्या था, यानी जब मंगमा और जो उसकी बहू है नजम्मा इन दोनों में झगड़ा समाप्त किसने किया बाबू, किस माध्यम के द्वारा हुआ, तो जो इसकी बहू थी ना वो बहुत चालाक थी, अपने वो सोचती थी कि मेरे लड़के से तो मेरी सास बहुत प्यार करती है, तो लड़का को क्या बोलती है कि जाओ अब तुम थी अपनी दादी के पास रहो, घर पे आओगे तो बहुत मार मारेंगे, तो लड़का डर से जाके दादी के पास रहने लगा और वो दादी से भी प्यार करता था, और जो मतलब मंगमा थी वो भी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, दोनों आपस में मतलब रहने लगे, तो फिर जैसे नहीं होता है एक आदमी बोलने लगा तो घर के सब लोग बोलने लगते हैं, तो वैसे अब क्या हो गए, उसका बेटा भी जाके माफी मांग लिया और इसकी जो पत्तू है नजम्मा वो भी जाके क्या कर लेती है, माफी मांग लेती है। तो मंगमा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम क्या है, तो आपको याद रखना है मंगमा का पोता, यानी जो पोता है वो जाके फिर अपने दादी के पास रहने लगता है, जो इसकी बहू है उसको क्या करती है, भेज देती है कि जाओ बेटा तुम दादी के पास रहो, ठीक है ना। तो यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अधिक बुद्धिमान कौन है, अब आपको बताना है कि नजम्मा अधिक बुद्धिमान है कि जो मंगमा है वो अधिक बुद्धिमान है, दोनों में से आपको बताना है सास अधिक बुद्धिमान है कि बहू, तो आपको याद रखना कि जो बहू है वो अधिक बुद्धिमान है, ठीक है ना। तो अधिक बुद्धिमान कौन है, तो जो नजम्मा है ये अधिक बुद्धिमान है, और ये क्या करती थी, बनावट जैसे आपको याद रखना मगरमच्छ जैसी थी, ठीक है ना, इसका स्वभाव कैसा था, मगरमच्छ जैसा, मगरमच्छ लगेगा ऐसे रो रहा है लेकिन वो सच में रोता नहीं है, ठीक है ना, तो ये मगरमच्छ जैसा इसका क्या था, स्वभाव था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा प्रतिनिधित्व करती है, मंगमा बाबू कैसी औरत का प्रतिनिधित्व करती है, तो जो मंगमा थी ये आपको याद रखना है ये ग्रामीण महिला का प्रतिनिधित्व करती है, ये ग्रामीण महिला थी, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहू की दशा है, ये भी क्वेश्चन सब पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि बहू की दशा कैसी थी, तो बहू की जो दशा है बाबू आपको याद रखना है मगरमच्छ जैसा है, यानी बनावटी सब चीज, ठीक है ना, दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और, तो बहू की दशा बाबू कैसी थी, तो बहू की दशा आपको याद रखना है मगरमच्छ जैसा था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो दही वाली मंगमा कहानी के रास्ते में बाबू क्या है, तो आपको याद रखना है अमराई का कुआं है, रास्ता में बाबू क्या है, अमराई का कुआं है, और
और यहीं पे रंगपा हाथ पकड़ा था मंगमा का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंगमा बरसों से किस विधि से दूध दिया करती थी, दूध या दही दिया करती थी, तो जो मंगमा थी बाबू ये किस विधि से, तो ऐसे होता है ना गांव में उठावना जिसे हम लोग बोलते हैं, हमारे तरफ उठावना बोलते हैं, जैसे दूध दही का उठावना, जैसे एक महीना हम लोग लेके खाते हैं ठीक है ना, उसके बाद पैसा देते हो, तो वही यहां पे बोला जाता है, उधर बारी बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है बारी, ठीक है ना, कि एक महीना तक दही ले जाके मंगमा देती थी और महीनवा दिने पैसा जाके ले आती थी, ठीक है ना, तो इसे आपको याद रखना है। और बिहार में इसे क्या बोलते हैं, उठावना बोलते हैं। तो मंगमा बरसों से किस विधि के द्वारा दूध दही दिया करती थी, तो आपको याद रखना है बारी। बारी आपको समझ में आ गया ना, जैसे अपने गांव में उठावना होता है, इसी प्रकार इधर क्या होता है, जो दक्षिण में बारी बोला जाता है, कि एक महीना ले जाके दही दीजिए और फिर क्या करिए कि जब महीना लग जाएगा तो पैसा ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, जो मंगमा थी वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, तो मंगमा बराबर मिठाई ले जाकर अपने पोते को खिलाती थी, ठीक है ना, तो मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो आपको याद रखना अपना पोता के लिए, ठीक है ना, अपना पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी, क्योंकि वो अपने पोते से बहुत प्यार करती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, यानी जो नजम्मा है वो मंगम्मा की कौन है, तो आपको याद रखना है बहू है, क्या है, बहू है, इसे आपको याद रखना है, सी वाला आंसर यहां पर बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रंगप्पा किस किस्म का आदमी था, यानी जो रंगप्पा था ये कैसा आदमी था, तो आपको याद रखना है जुआरी था, ठीक है ना, जुआरी किस्म का आदमी था, बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था यह 6 जून 1891 को हुआ था, कब हुआ था, 6 जून 1891 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है, कहां पे, तो कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में हुआ था, और किस गांव में हुआ था, तो आप लोग देखिए यहां पे श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में कहां पे हुआ था, जो श्रीनिवास इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, तो कर्नाटक एक राज्य है, तो कर्नाटक में कहां पे हुआ था, तो आपको याद रखना है कोलार में, कर्नाटक के कोलार में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार, यानी जो श्रीनिवास है वो किस भाषा में लिखते हैं, तो दही वाली मंगमा बाबू किस भाषा में लिखे, कन्नड़ भाषा में लिखे, तो ये कन्नड़ भाषा के क्या है, ये साहित्यकार है, इन्हें आपको याद रखना है, तो जब भी बोलेगा कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है, तो ये कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है, इन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेना क्या कहलाता है, तो शहरों में आकर महीने भर दूध दही देना और महीना लग जाए उसके बाद जाके पैसा लेना क्या कहलाता है, तो ये बारी कहलाता है, इसे आपको याद रखना है, क्या कहलाता है, बारी कहलाता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला यहां पर क्वेश्चन है कि जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी भी डैश भी बड़ी हो जाती है, यानी छोटी भी जो बात है वो बड़ी हो जाती है, तो यहां पे क्या होगा, बात, ठीक है ना, तो छोटी भी जो बात होगा बाबू वो बड़ी हो जाती है, इसे आपको याद रखना। अगर आपका किसी से गांव में झगड़ा होगा ना, तो वो आदमी अगर दूसरे से कोई दूसरा भी बात कर रहा होगा ना, तो आप लोग देखेंगे तो लगेगा कि वो दोनों हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे होता है, ठीक है ना। तो जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तो छोटा भी बात क्या लगता है, बड़ा लगता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उस घर में अब सास बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो सास बहू जहां पे आएगा आपको याद रखना है वो मंगमा में, तो उस बहू में अब सास बहू की स्वतंत्रता पे होड़ लगा है, ये किस में है, किस पाठ में है, तो आपको याद रखना है दही वाली मंगमा कहानी की ये पंक्ति है, डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन है पैसे को यहां वहां डैश रखने से क्या मिलता है, रंगपा बोलता है कि मंगमा मुझे कर्ज दे दो, तो ये भी आता है क्वेश्चन यहां पे, इसमें छूट गया है कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था, रंगपा मांग रहा था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और वही बोलता है कि मंगमा मुझे पैसा दे दो, उसको मतलब वो बोलता है मंगमा मुझे पैसा दे दो, इधर उधर पैसे गाड़ के रखने से कोई फायदा नहीं है, तो वही यहां पर वो सेंटेंस है कि पैसे को यहां वहां गाड़ कर रखने से क्या मिलता है, मुझे
मुझे दे दो पैसा, ठीक है ना। तो पैसे को इधर उधर गाड़ के, वो जमीन में पैसे को क्या करती थी, गाड़ के रखती थी, इसे आपको याद रखना है। तो ये पैसे को यहां वहां डैश रखने से क्या मिलता है, पैसे को यहां वहां गाड़ के क्या मिलता है, ये किसने बोला था, तो ये रंगपा बोला था, ठीक है ना। तो नहीं देती है पैसा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जितना झगड़ा होता है उतना बढ़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपस में जितना झगड़ा होगा ना उतना क्या बढ़ेगा, तो उतना उम्र बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। उम्र का मतलब आयु, इसे आपको याद रखना है। उम्र बढ़ता है यानी आयु बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। आदमी ज्यादा दिन तक जीता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि घर वाले के रहते एक अच्छे साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसे किसने कहा। जो मंगमा का पति था बाबू, जब ये इसका बेटा छोटा है तो रहता है तभी ये छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना। तो घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ये किसने कहा, तो आपको याद रखना है ये मंगमा कही थी। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सुझाएगा। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम तैयार कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ा नहीं रहे, तो एक दिन सब्जेक्टिव हम आपको पढ़ा देंगे। आज केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो देखिए सब्जेक्टिव हम यहाँ पे तैयार कर दिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सभी यहाँ पे सब्जेक्टिव आपका तैयार हो चुका है। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे चलेंगे, और दूसरा पार्ट है इसका यहाँ पे, आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से, सब्जेक्टिव भी इसका रेडी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, सब्जेक्टिव भी एक के दिन में आपका हो जाएगा और आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है वर्णिका भाग दो का, ढहते विश्वास, इसकी मुख्य पात्र कौन है, तो इसमें लक्ष्मी के बारे में बताया गया है। इसका हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे काफी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल एकदम आप लोग देखते रहिए क्लास को, ठीक है। थोड़ा सा कॉमेंट देख लेते हैं, चलिए समझ में आ गया बाबू, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। 33 गलत है, हम रंजेश कह रहे हैं, क्या हुआ है 33 में, बच्चा इसे बोलता है लगता है कि, देख लेते हैं 33 रंगपा कैसा आदमी था, जुआरी लंपट बदमाश उपयुक्त सभी, रंगपा कैसा आदमी था, जुआरी था, लंपट था, बदमाश था, उपयुक्त सभी, ये क्वेश्चन में आएगा ना, तो आप लोग जुआरी, ठीक है ना, जुआरी ही टिक लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला यहां पे क्वेश्चन है, आप लोग यहां पे बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हम यहां पे लगाते हैं, दूसरा चैप्टर जो है यहां पे, आप लोग यहां पे देखिए, दूसरा जो चैप्टर है हम लोगों का वर्णिका भाग दो और ढहते विश्वास, ठीक है ना। ढहते विश्वास का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे, चलिए इसका हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, जो ढहते विश्वास कहानी है ना बाबू, ये कहां का कहानी है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा का कहानी। इसका भी थोड़ा सा हम आपको कहानी बता देते हैं। एक गांव में रहती है लक्ष्मी नाम की लड़की, मतलब औरत, जिसका शादी हो गया है, इसका पति का नाम है लक्ष्मण, और जो लक्ष्मण है ये कोलकाता में नौकरी करता है, लेकिन इसकी तनख्वाह इतना मतलब बहुत कम है, ये घर पे पैसा भेजता है तो उससे इसका काम मतलब घर के काम नहीं चलता है। और लक्ष्मी जो है ना बाबू गांव की है, तो इसके पूर्वज इसके लिए एक बीघा जमीन, एक बीघा मतलब कितना होता है, 20 कट्ठा खेत इसके लिए छोड़ के गए हैं, ठीक है ना। तो उस पे ये क्या करती है, कर्ज लेकर मतलब उसको उस पे खेती करती है, और साथ में ये दूसरे जगह काम भी करती है, मतलब कि अपने बच्चे को पोस पाल सके, ठीक है ना। तो कर्ज लेकर क्या करती है बाबू, यहां पे खेती मतलब उस खेती को करती है। लेकिन इसमें क्या है बाबू, इस कहानी में बाढ़ की समस्या है, बाढ़ आता है और पूरा तहस नहस मिला देता है, सबको बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। तो यही कहानी है, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो ढहते विश्वास कहानी है इसके लेखक कौन है, तो ढहते विश्वास जो कहानी है इसके लेखक कौन है, जल्दी से आप लोग यहां पर कॉमेंट करके बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, बी बहुत ही बढ़िया, कौन है, सतकोड़ी होता, ठीक है ना। सतकोड़ी होता कहां के लेखक है, तो ये उड़ीसा के हैं और ये उड़िया भाषा में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, सतकोड़ी होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, मुख्य पात्र का मतलब मेन कैरेक्टर कौन है ढहते विश्वास में, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला आंसर यहां पर बिल्कुल ही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में, यानी बाढ़ कहां पे हमेशा आते रहता है, बाढ़ की समस्या किस कहानी में दिखाया गया है, तो आपको याद रखना है ढहते विश्वास कहानी में, ठीक है ना। ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या दिखाया गया है, यहां पर इसमें बाढ़ के बारे में ही बताया गया कि बाढ़ से क्या क्या हानि होता है, कैसे लोगों का जीवन प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो ये ढहते विश्वास में बाढ़ की है कहानी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या, ये भी
बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, लक्ष्मण है। और ये बाबू साहब कहां पे नौकरी करते थे, तो ये कोलकाता में नौकरी करते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि लक्ष्मी के पति कहां पे नौकरी करते थे, यानी जो लक्ष्मी के हस्बैंड थे वो कहां पे नौकरी करते थे, कोलकाता में नौकरी करते थे। लेकिन इतना ज्यादा वो पैसा नहीं कमा पाते थे कि वो घर पे भेज सके, घर का खर्चा चल सके, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो लक्ष्मी जो थी इसके बड़े लड़के का नाम क्या था, तो आपको याद रखना अच्युत। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, इसे एकदम आपको याद रखना है। इसमें हम वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और ये एकदम कहानी की तरह है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा सब याद हो जाएगा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है, अच्युत है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के पास कितना जमीन था, यानी जो लक्ष्मी थी उसके पास कितना जमीन था, तो उसके लिए पूर्वज, पूर्वज किसे बोला जाता है, जैसे बाप दादा परदादा जो छोड़ के मतलब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं उसे पूर्वज बोला जाता है। तो पूर्वज जो है वो लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ के गए थे, तो आपको याद रखना है एक बीघा। एक बीघा में कितना कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा होता है, इसे आपको याद रखना है। तो लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ के गए थे, एक बीघा छोड़ के गए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी बाबू कौन थी, तो गांव की एक दीनहीन महिला। दीनहीन महिला का मतलब क्या होता है कि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, गरीबी में बेचारी वो क्या कर रही है, अपना गुजर बसर कर रही है। तो जो लक्ष्मी है बाबू ये कैसी महिला है, तो लक्ष्मी जो है बाबू आपको याद रखना है ये एक दीनहीन महिला है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ठीक है ना, कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, जो लक्ष्मी का घर भी था वो भी बांध के नीचे था, ठीक है ना। तो लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, तो आपको याद रखना है देवी नदी। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, इसे आपको याद रखना है कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, तो देवी नदी के बांध के नीचे था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विपत्ति अकेले नहीं आता है, ये बात कब सही मतलब कब साबित हुआ, तो जो बाबू विपत्ति जब मुसीबत पड़ता है ना, तो गांव में एक कहावत है कि मुसीबत पड़ता है तो चारों बगल से पड़ता है, तो यही बात बाबू कब हुआ, यहां पे वही क्वेश्चन है कि विपत्ति अकेले नहीं आती, ये कब साबित हुआ, तो जब गांव में तूफान उठने लगा, ठीक है ना। तो जब गांव में तूफान आया, बाढ़ आने से पहले जब तूफान आया, तब समझ में आया कि जो विपत्ति है ये अकेले नहीं आता है, संगी साथियों को भी लेके आता है, यानी बहुत सारा विपत्ति बहुत सारा दुख एक ही बार आता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो विपत्ति अकेले नहीं आती या कब साबित हुआ, तो जब गांव में तूफान आया, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, अगला यहां पर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहां की कहानी, यानी जो ढहते विश्वास कहानी है ये कहां की कहानी है, तो आपको याद रखना है ये उड़ीसा की कहानी है। कहां की कहानी है, ये उड़ीसा की कहानी है। सी आंसर यहां पे बिल्कुल इसे जाएगा, एकदम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि ढहते विश्वास कहां की कहानी है, तो ये उड़ीसा की कहानी है। किसने लिखा है, तो सतकौड़ी होता ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लोग हांफते हुए दौड़ने लगे, लोग हांफते हुए किधर दौड़ने लगे, तो जब बाढ़ आया तो लोग दौड़ने लगे, भगदड़ मच गया और सभी लोग किधर जाने लगे, तो टीले के ऊपर जाने लगे, यानी ऊंचा था टीला, पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर जाने लगे, इसे आपको याद रखना है। लोग हाफते हुए किस ओर दौड़ने लगे, तो आपको याद रखना है टीले की ओर। टीला क्या होता है बाबू, पहाड़ होता है, तो पहाड़ के तरफ क्या होते हैं, पहाड़ की चोटी की तरफ जाने लगे, ठीक है ना, ताकि डूबे नहीं। अगला क्वेश्चन ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में कि गुड़ निधि कहां से लौटा था, ठीक है ना। इससे दो गो क्वेश्चन आता है, मतलब दो तीन गो क्वेश्चन आता है, इसे आपको याद रखना है। तो गुड़ निधि बाबू कहां से लौटा था, तो गुड़ निधि जो था ना बाबू, ये गांव का पढ़ाकू लड़का था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, तो गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, गुड़ निधि था, इसे आपको याद रखना है। और गुड़ निधि कहां से लौटा था, तो जो गुड़ निधि था बाबू ये कटक से लौटा था, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे जाएगा। गुड़ निधि कहां से लौटा था, कटक से लौटा था, इसे आपको याद रखना है। और गांव में पढ़ाकू लड़का कौन था, तो नाम याद रहेगा कि नहीं, गांव में पढ़ाकू लड़का कौन था, तो गुड़ निधि था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे मन क्या नहीं मानता है, जो मन है बाबू अपना ये क्या नहीं मानता है, तो मन कभी भी हार नहीं मानता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसे जाएगा कि जो मन है ये कभी भी हारता नहीं। अगर आप लोग देह से हार जाइएगा, शरीर से हार जाइएगा, लेकिन मन आपका कभी भी नहीं हारता है, सोचते रहता है कि एगो चांस मिला रहता ना तो उनको पटक के मारते, ठीक है ना। तो ये होता है कि मन कभी भी हार नहीं मानता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन
जमीन छोड़ गए, यानी जो पूर्वज हैं लक्ष्मी के कितना जमीन छोड़ गए थे, तो एक बीघा छोड़ गए थे। इसे आपको याद रखना है, यहां पे ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका है, यानी बार बार ईश्वर पर विश्वास करके कौन ठग चुका है, यानी ईश्वर के द्वारा ठगा जा चुका है। तो बार बार जो इंसान है ये विश्वास करके ठगा जा चुका है, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे इंसान क्या होगा, यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका है, तो जो इंसान है वो ठगा जा चुका है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है सतकोड़ी होता किस भाषा के कथाकार है। तो बाबू ये कहानी कहां के है, उड़ीसा का है। तो उड़ीसा में क्या चलता है, उड़िया भाषा चलता है, ठीक है ना। तो ये कहानी भी किस में लिखेंगे, उड़िया भाषा में ही लिखेंगे। तो सतकोड़ी होता किस भाषा के कथाकार है, तो आपको याद रखना है ये उड़िया भाषा के कथाकार है, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है, डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि गांव के लोगों को इकट्ठा करके गुड़ निधि ने किस दल का गठन किया, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है, वीवीआई क्वेश्चन है। क्योंकि जो गुड़ निधि था बाबू, गांव का ये पढ़ाकू लड़का था, तेज तराज लड़का था। तो गांव के ये लोगों को इकट्ठा करता है और कौन सा दल बनाता है, तो स्वेच्छा सेवक दल बनाता है। और इस स्वेच्छा सेवक दल का काम क्या है, तो गांव की सुरक्षा करना और बांध की सुरक्षा करना, क्योंकि बांध जो था बाबू पूरा एकदम अब टूटने के कगार पे आया था। तो ये गांव के लोगों को इकट्ठा करके जो गुड़ निधि था, ये किस दल का गठन किया था, तो आपको याद रखना है स्वेच्छा सेवक दल, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, देवी के टीले पर चैत की संक्रांति में क्या होता था, यानी देवी के जो टीला था बाबू, जहां देवी का मंदिर था, उसमें चैत की संक्रांति पे क्या होता था, ठीक है ना। तो वहां पे मेला लगता था, सब लोग जाते थे, जैसे मेला लगता है गांव में, ऐसे मेला लगता था, देवी को बलि चढ़ाया जाता है। बलि का मतलब क्या होता है, छप से काटना, ठीक है ना। तो देवी को बलि चढ़ाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। नाच गाना होता था, यानी इनमें से सभी होता था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे जाएगा। देवी के टीले पर चैत की संक्रांति में क्या होता था, मेला लगता था, देवी जी को बलि चढ़ाया जाता था, नाच गाना होता था, ठीक है ना, इनमें से सभी होता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। ये बोर्ड एग्जाम में आता है और इसे एकदम आपको याद रखना है कि जो ढाते विश्वास कहानी है ना, इसमें किस नदी का भयावह रूप दिखाया गया है, तो आपको याद रखना है महानंदा। ये महानंदा बाबू, महानंदा के कारण ही बाढ़ आता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह रूप दिखाया गया, भयंकर दृश्य दिखाया गया, तो महानदी का महानंदा का दिखाया गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी है, तो ढाते विश्वास बाबू कैसी कहानी है, किस भाषा की कहानी है, तो आपको याद रखना है ये उड़िया भाषा की कहानी है, ठीक है ना। ढाते विश्वास कैसी कहानी है, तो ये उड़िया भाषा की कहानी है, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये उड़ीसा का इसमें। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ढाते विश्वास कहानी में कहां का चित्रण किया गया है, किस कहां का चित्रण किया गया, तो आपको याद रखना है उड़ीसा का चित्रण किया गया, ठीक है ना। तो ये अलग अलग क्वेश्चन बना के आता है कि ढाते विश्वास कहानी में कहां का चित्रण किया गया, तो आपको याद रखना है उड़ीसा का चित्रण किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या हैं, तो ढाते विश्वास जो बाबू कहानी है ये उड़िया भाषा में लिखा है, और उड़िया भाषा तो हमको समझ में नहीं आएगा, तो राजेंद्र मिश्र ने क्या किया कि जो ये ढाते विश्वास कहानी उड़िया में है इसको हिंदी में लिख दिए, ठीक है ना। तो ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है, तो अनुवादक है, इन्हें आपको याद रखना है। या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ढाते विश्वास कहानी का हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो राजेंद्र मिश्र ने किया था, इसे आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो ढाते विश्वास की कौन है बाबू मेन पात्र, तो लक्ष्मी है, इसे आपको याद रखना है, डी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था शायद परीक्षा में कि ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहां पे है, तो ढाते विश्वास कहानी में जो स्कूल है बाबू ये कहां पे है, तो आपको याद रखना है कि जो टीला है ना, जो पहाड़ है उसके नीचे है, इसे आपको याद रखना है। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहां पे है, तो जो
स्कूल है ये टीले के नीचे है, इसे आपको याद रखना है। टीला क्या होता है? तो ऐसे पहाड़ छोटा छोटा होता है ना, उसे टीला बोला जाता है। तो इसी टीला के नीचे यहां पे क्या था? स्कूल था, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा धाते विश्वास कहानी में स्कूल कहां पे था, तो टीले के नीचे था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर पर दो लड़कियों और साल भर के एक लड़के को कौन लेकर अकेली थी? तो घर पे बाबू लक्ष्मी की दो गो लड़की थी और एक गो लड़का था, ठीक है ना, वो भी एक साल का था, साल भर का। तो घर पे दो लड़कियों यानी छोटी छोटी लड़की थी और साल भर के एक गो लड़का था, ठीक है ना, उसको लेकर घर पे अकेली कौन थी? तो आपको याद रखना है लक्ष्मी जो थी वो इन तीनों को लेकर घर पे अकेली थी, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है बाबू, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए कि हल किराए पर लेकर, ठीक है ना, यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन पर खेती कौन करवाई थी? अब देखिए गांव में होता है ना बाबू, तो अपना ट्रैक्टर नहीं होता है, अपना हल नहीं होता है, उसको किराया पर लेकर खेती करवाया जाता है, ठीक है ना। तो हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन पर खेती कौन करवाई थी? तो कौन करवाई थी? तो आपको याद रखना है लक्ष्मी करवाई थी, लेकिन बाढ़ आता है और सब चीज तहस नहस कर देता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है अच्युत था, यहां पे सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए? और ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, इसे आपको याद रखना है कि जो लक्ष्मी के ससुर थे वो किस बांध में काम कर रहे थे, बांध बना रहे थे, जिसमें वो पत्थर में दब के मर गए यानी शहीद हो गए। तो किस बांध में? तो आपको याद रखना है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। और हीराकुंड बांध कहां पे है? तो उड़ीसा में। हीरेकुंड बांध में ये उसका निर्माण हो रहा था, उसमें काम कर रहे थे, उसी में पत्थर में दबा जाते हैं और बेचारा शहीद हो जाते हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर में दबकर शहीद हो गए, तो हीराकुंड बांध, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना छोड़ गए, तो यानी इसका मतलब फाइनल बोर्ड में भी आएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, एक बीघा जमीन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और एक छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई? इसका एक बड़ा भी लड़का था, ठीक है ना, अच्युत। अब यहां पे देखिए, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों को और एक छोटे से बच्चे को सुलाकर कहां गई? तो जहां पे गाय बनाता है ना उसे गुहाल कहते हैं, तो गुहाल में गई, गाय जहां पे बनाता है वहां पे गुहाल में गई, यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन किस कथा में साहित्य में उड़ीसा का ग्रामीण जीवन गहरी अंतरात्मिका के साथ प्रकट हुआ है? यानी आपको बताना है किस कहानी में उड़ीसा का जीवन चरित्र दिखाया गया है बहुत ही एकदम अंदरूनी तरीका से। तो किसमें दिखाया, किसने दिखाया है? तो आपको याद रखना है सतकोड़ी होता है, ठीक है ना, कि जो सतकोड़ी होता है ये उड़ीसा के ग्रामीण जीवन का हाल कैसा है वो बताए हैं, वहां पर भी बाढ़ बराबर आते रहता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पर, अगला क्वेश्चन है कि कौन हल्ला करके बाढ़ को सबको सचेत कर रहा था, यानी चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि अब यहां पानी आ गया, यहां पानी आ गया, सब ठीक है, सब सही है। तो ऐसे कौन चिल्ला रहा था? तो गुड़ निधि, अच्युत, शंकर, यहां पे मरकरा, चंदारा, ये सभी लोग चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहे थे बाबू? आपको याद रखना है, बता रहे थे गांव वालों को कि अब ये काम हो गया, यहां तक पानी आ गया, वहां तक पानी आ गया, ये सभी बता रहे थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला यहां पर क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है एकदम, इसे आपको याद रखना है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, यानी जो कटक शहर था उसको बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो आपको याद रखना है महाराज ययाति केसरी ने। किसने बनवाया था? महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन याद आप लोग कर लीजिए बाबू, यही सब क्वेश्चन आएगा, इसमें से एको इधर उधर नहीं जाएगा, यही सब आएगा कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को मयूरभंज उड़ीसा में किनका जन्म हुआ था? तो किनका जन्म हुआ था? तो आपको याद रखना है लेखक सतकोड़ी होता का जन्म हुआ था, इसे आपको याद रखना है, बी वाला आंसर यहां पर बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
वही क्वेश्चन है कि सतकोड़ी होता का जन्म कहां पे हो, लेखक का बाबू जन्म बड़ा पूछता है, तो लेखक इनका जन्म कब हुआ था, तो 29 को हुआ था मयूरभंज में, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि सतकोड़ी होता किस भाषा के कथाकार है, तो ये उड़ीसा का है, तो ये उड़िया भाषा में लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये उड़िया भाषा के कथाकार थे, डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुड़ निधि अभी अभी कहां से लौटा था, तो जो गुड़ निधि था ये गांव का पढ़ाकू लड़का था, और ये अभी अभी कहां से लौटा था, कटक से लौटा था, और ये किस दल का गठन किया था, तो स्वयं स्वच्छ सेवक दल का गठन किया था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन वही है यहां पे कि गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुड़ निधि ने किस दल का गठन किया, तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था, सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी सुबह तक कहां तक पहुंचा था, यानी पूरा दिन बाबू अगर दिन खत्म हो जाने के बाद जो बाढ़ का पानी था वो कहां तक पहुंचा था, तो आपको याद रखना है एरसमा तक, कहां तक पहुंचा था, एरसमा तक, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे एकदम आप लोग याद रखिएगा, एरसमा, ठीक है ना, यहां तक पहुंचा था, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव है, एक दो होगा, और यहां पे देखिए ये रहा अगला, यहां पे देखिए क्वेश्चन है 38 नंबर की विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यानी जो दुख होता है ये अकेले नहीं आता है, ये बहुत सारे दुखों को एक साथ लेकर आता है, और दुख घर पे पड़ता है तो सभी बच्चों को भी पता होगा कि दुख अकेले नहीं आता है, बहुत सारे आते हैं, तो वही लिखा गया है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों को भी साथ ले आता है, ये किस पाठ की है, तो आपको याद रखना है ढहते विश्वास में ये बोला गया है, ठीक है ना, सी वाला आंसर यहां पर बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, नहीं बारी बारी से सभी लोग किसका निगरानी कर रहे थे, तो आपको याद रखना है देलई बांध की, ठीक है ना, जो देलई बांध है इसकी बारी बारी से सभी बच्चे क्या कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे कि सही है कि नहीं, कहीं पे दिक्कत तो नहीं है, सभी बार बार देख रहे थे इसको और सभी लोग को सचेत कर रहे थे, इसे आपको याद रखना है। अब ये है इसका यहां पे देखिए ढहते विश्वास का, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा गया है, ये हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये आप लोग देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर ये सब लिखा गया है, ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी क्या है, अभी केवल हम यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो ये इसको छोड़ते हैं, एक दिन हम आपको सब्जेक्टिव, एक के दिन भी सबका सब्जेक्टिव हम आपको पढ़ा देंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है ना। अगला यहां पे क्वेश्चन है, यहां पे जो है हम लोग वर्णिका भाग 2 तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे मां, और यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब ये कहानी में बाबू क्या है, तो इसमें एगो मंगू है जो जन्म से क्या है बाबू, पागल है, ठीक है ना, और आगे चल के गूंगी हो जाती है, तो जन्म से पागल है, इसे आपको याद रखना है, और आगे चल के वो गुंगी भी हो जाती है। इसमें एक पागल लड़की की कहानी है जिसका नाम है मंगू, ठीक है ना, मंगू को मां जो है वो अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है, लेकिन एक वो गांव की लड़की और थी जो पागल हो गई थी, अस्पताल में गई थी तो ठीक भी हो गई थी, तो इसी को देख के जब ये अस्पताल में ले जाती है, उसको भर्ती कराती है, लेकिन क्या होता है अस्पताल में सही से इलाज नहीं हो पाता है, फिर इसको एगो मिलता है पंडित जी, बोलते हैं कि पंडित जी बोलते हैं कि अगहन में ये सही हो जाएगी, तो वहां से हॉस्पिटल से मंगू को ले आती है घर पे, और अगहन का इंतजार करती है, तब तक मंगू बेचारी मर जाती है, ठीक है ना, तो ये कहानी है इसका, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसका यहां पे क्या क्या है इसमें दिया गया है, तो यहां पे पहला पढ़ते हैं कि मां शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, यानी मां शीर्षक कहानी में वो मेन पात्र कौन है, यानी मेन कैरेक्टर कौन है, तो आपको याद रखना है मंगू है, और मंगू का उम्र कितना है, तो आपको याद रखना है मंगू जो है ये 12 वर्ष की लड़की है, और कैसी है, तो ये जन्म से पागल है लेकिन बाद में गूंगी होती है, ठीक है ना, तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है मां शीर्षक कहानी में संपादित एवं अनुदित किया है, यानी मां शीर्षक कहानी जो है बाबू इसको किसने अनुदित किया है, मां शीर्षक जो कहानी है ये गुजराती में लिखा गया है, इसको हिंदी में किसने लिखा है ये आपको बताना है, तो गोपाल दास नागर ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है, जो मां कहानी है बाबू ये कहां की कहानी है, तो ये गुजरात की कहानी है, गुजराती में लिखा होगा, गुजराती तो समझ में नहीं आएगा, तो इसको हिंदी में किसने किया, तो गोपाल दास नागर ने किया, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं,
अगला यहां पे क्वेश्चन है कि मां की कितनी संतानें हैं। अब आपको बताना है कि जो मां है इनकी कितनी संतानें हैं। तो मां की टोटल 4 संतानें हैं, 2 बेटी है 2 बेटा है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मां की कितनी संतानें हैं, तो मां की 4 संतानें हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यह भी क्वेश्चन आता है कि जब मंगू मर जाती है तो मां की कितनी संतानें होती हैं। ये तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी, तो मंगू के अलावा अगर 4 संतानें हैं मंगू को लेकर, तो मंगू को अगर अलग निकाल दिया जाता है, मंगू मर जाती है बेचारी, तो मां की कितनी संतानें हैं, 3 संतानें हैं, इसे आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसे आपको याद रखना है कि मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें हैं। तो मंगू की अलावा अगर मंगू को छांट दिया जाए तो मां की कितनी संतानें हैं, 3 संतानें हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मां को कितनी पुत्रियां थी, यानी 4 टोटल 4 थे, 2 पुत्री थी और 2 बेटे थे, इसे आपको याद रखना है। तो वही बोल रहा है कि मां को कितनी पुत्रियां थी, तो 2 पुत्रियां थी, इसे आपको याद रखना है, 2 बेटी थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि मां कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौट कर आई थी, यानी जो मां थी मंगू को अस्पताल में भर्ती करा के कितना बजे लौट कर आई थी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, 9:45 बजे, 9:45 का मतलब क्या होता है, 10:45। तो ऐसे आपको देगा ना, तो कहीं कहीं पे आपको याद रखना है, ऐसे लिखा रहता है कि 10:45 या 9:45 बजे रात्रि, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, 9:45 या यहाँ पे 10:45, बिल्कुल एकदम सेम हुआ, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है, 9:11 बजे या 10:45, जो भी बोलेगा आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माँ है ये हॉस्पिटल से कब लौट कर आई थी, तो 9:11 बजे रात्रि में, यानी 10:45 पे ये घर आई थी, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो जो माँ है बाबू ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ये लिया गया है गुजराती भाषा से, ठीक है ना। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा, ए वाला यहां पे आंसर आपको याद रखना है कि जो मां कहानी है किस भाषा से अनुदित है, यानी किस भाषा से कन्वर्ट करके लिया गया है, तो गुजराती भाषा से लिया गया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मां कहानी के रचयिता कौन है, तो मां कहानी के रचयिता कौन है, ईश्वर पेटलीकर। मां के साथ हमेशा कौन रहते हैं बाबू, ईश्वर। तो ऐसे ट्रिक लगा के आप लोग याद रख सकते हैं, मां कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर, क्योंकि मां के साथ हमेशा भगवान रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, तो आपको याद रखना है ईश्वर पेटलीकर है। डी वाला आंसर यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मंगू को लोग कहां भर्ती करने की सलाह दी है, यानी मंगू जो है बाबू ये जन्मजात पागल है और गुंगी भी है, तो इसको लोग कहां भर्ती करने के लिए सलाह दिए थे, तो आपको याद रखना है कहां पे, तो अस्पताल में। और ये भी क्वेश्चन आता है, इसे आपको याद रखना है कि मंगू को लोग कहां पे भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, तो अस्पताल में। क्यों दे रहे थे, क्योंकि इसी गांव की एक लड़की थी कुसुम नाम के, कि जो पढ़ते समय पगला गई थी और फिर वो हॉस्पिटल में जाती है, ठीक होकर चली आती है, तो लोग भी बोलते हैं कि तुम अपनी भी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराओगी तो मंगू भी सही हो जाएगी, और मां डरती थी हॉस्पिटल में ले जाने से, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, लोग कहां भर्ती करने की सलाह दिए थे, तो अस्पताल में, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पर, अगला यहां पर क्वेश्चन है बाबू कि मंगू की मां अस्पताल में, अस्पताल को किसकी उपमा देती है, यानी जो पागल अस्पताल आप तो जानते ही हैं कैसा होता है, उसमें सब लोग कैसे खुला छोड़ दिए जाते हैं, एकदम चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, जो मन कर रहा है वो कर रहा है, तो मंगू की मां जो है वो अस्पताल को किसकी उपमा देती है, तो गौशाला समझती है, ठीक है ना, गौशाला समझती है, नहीं जो अस्पताल है उसको ये गौशाला समझती है, कि गाय को जैसे छोड़ दिया जाता है वैसे ही मरीज को हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है, तो मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती है, तो गौशाला की उपमा देती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मंगू की मां गौशाला की उपमा किसको देती है, यानी मंगू की मां है गौशाला किसे बोलती है, तो आपको याद रखना है हॉस्पिटल को, यानी अस्पताल को ये बोलती है कि वो गौशाला है, मतलब वहां भी जैसे मरीजों को छोड़ दिया जाता है वैसे ही जैसे गौशाला में गायों को छोड़ दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, इसे आपको याद रखना है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी, यानी जो मंगू है इसकी बड़ी बहन कौन है, तो मंगू की बड़ी बहन कौन है, कमू है, इसे आपको याद रखना है, कौन है बाबू, कमू है। सी वाला आंसर यहां पर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है कि कमू किस कहानी की पात्र है, तो बाबू कमू किस कहानी में है, तो ये मंगू की बहन है कमू,
तो कमू किस कहानी में आएगी, तो आपको याद रखना है मां कहानी में आएगी। और जो कुसुम है बाबू, यही एक गांव की लड़की थी जो पागल हो गई थी, तो इसको हॉस्पिटल ले गया गया था, तो ये ठीक हो गई थी, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया, तो मंगू को भर्ती कराने के लिए जो मां है वो किसे भर्ती किसे पत्र लिखकर बुलवाती है, तो अपने बेटे को पत्र लिखकर बुलवाती है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। किसको बुलवाती है, तो अपने बेटे को पत्र लिखकर बुलवाती है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, क्वेश्चन है कि मंगू की प्राकृति मौत को मां क्या मानती है, तो मंगू को मंगू की जब मृत्यु हो जाती है तो मां क्या मानती है, क्योंकि मंगू को हमेशा तकलीफ था, क्योंकि वो जन्म से ही पागल थी, उसका जब मतलब लेटरिन कर देती थी, पिशाब कर देती थी, और मतलब उसको खाना खिलाना, नहलाना धुलाना सब माँ को करना पड़ता था, अगर माँ की मृत्यु हो जाती तो फिर मंगू को कौन करता, इसीलिए मंगू की जो मृत्यु हो जाती है तो माँ क्या मानती है कि छुटकारा, ठीक है ना, माँ क्या मानती है, छुटकारा मानती है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसे जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी यहाँ पे, तो छुटकारा क्यों मानती है बाबू, क्योंकि जब मान लीजिए कि मंगू बड़ी होगी, उसकी माँ मर जाएगी, तो मंगू को करेगा कौन, ठीक है ना, तो इसीलिए मंगू मर जाती है तो मंगू को उसकी मां छुटकारा मानती है। और इसी समय एको बोला था बाबू, जब हॉस्पिटल में भर्ती कराकर ये आ रही थी, तो रास्ते में एको पंडित जी बोले थे, मतलब एक क्या साधु बोले थे, मतलब जो भी बोले थे कि जो मंगू है ना वो आने वाले अगहन में सही हो जाएगी, तो माँ बहुत खुश हो गई कि आने वाले अगहन में सही हो गई, माँ अगहन का इंतजार कर रही थी, वो अस्पताल से क्या की कि मंगू को घर लेके आ गई, अब तो पंडित जी बोल दिए हैं कि अगहन में सही हो जाएगी, तो क्या की लेके चले आई घर पे, और घर पे लाई तो कुछ दिन के बाद मंगू मर गई, ठीक है ना, और अगहन में सही भी नहीं हुई और मंगू क्या हो गई, मर गई, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मंगू कैसी लड़की है, तो जो मंगू है ये जन्मजात पागल है, लेकिन जन्म से ही गूंगी नहीं है, इसे आपको याद रखना है, जन्मजात पागल है और गूंगी है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना, जन्मजात पागल है, जन्म से पागल है, लेकिन आगे चल के ये गूंगी हो गई, ठीक है ना, तो यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है मंगू पागल कब से है, यानी मंगू को मंगू जो है ये पागल कब से है, तो जो मंगू है बाबू ये पागल, ये जन्म से ही पागल है, इसे आपको याद रखना है, जन्म से क्या बोलते हैं, जन्मजात बोलते हैं, यानी जो मंगू है ये जन्म से ही पागल है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मंगू जन्म से क्या थी, तो मंगू जो है बाबू जन्म से क्या थी, पागल थी, ठीक है ना, गूंगी तो बाद में हुई ना, तो गूंगी पे आप लोग टिक मत करिएगा, ठीक है ना, तो मंगू जन्म से ही क्या थी, तो जन्म से ही पागल थी, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, क्वेश्चन क्या है कि मंगू गूंगी है पर डैश नहीं है, यानी मंगू गूंगी है लेकिन क्या है बाबू, बहरी नहीं है, वो सुनती है, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है, बहरी नहीं है, मंगू गूंगी भले है लेकिन वो सुनती है, बहरी नहीं है, तो मंगू गूंगी है पर बहरी नहीं है, यानी जो बहरा हो लोग होता है उसको सुनाई नहीं देता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए किसका ऑर्डर प्राप्त किया था, तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था, इसे आपको याद रखना है, किसका, तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि ईश्वर पेटलीकर कहां के लोकप्रिय कथाकार हैं, यानी जो ईश्वर पेटलीकर हैं ये कहां के कथाकार हैं, तो आपको याद रखना है ये गुजरात के हैं, क्योंकि मां कहानी जो है ये गुजरात की कहानी है, ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ईश्वर पेटलीकर का प्रसिद्ध कहानी कौन सा, इसमें सब आपको बताना है कि ईश्वर पेटलीकर की इसमें से प्रसिद्ध कहानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है खून की सगाई, ठीक है ना, खून की सगाई जो है यह महत्वपूर्ण यहां पे प्रसिद्ध इनकी कहानी है, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर कौन है, तो मां कहानी इन्होंने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि काला पानी किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना है कि यह भी है, आपको याद रखना है किनका है काला पानी, तो ईश्वर पेटलीकर का है, इन्हें आपको याद रखना है, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि कौन सा महीना मां के लिए आराध्य देव बन गया है, अथवा कौन सा मां जी के लिए आशा भर महीना महीना भरा था, आशा भर महीना कौन था, तो क्योंकि कोई साधु बता दिया था,
कि जो मंगू है ये आने वाले अगहन में सही हो जाएगी। तो माँ एकदम अगहन का एकदम बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि अगहन में जो मेरी बेटी है मंगू एकदम सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी के कारण से मंगू को क्या करती है, अस्पताल से भी लेके चले जाती है, क्योंकि अस्पताल में जाके देखना अलाउ नहीं था, ठीक है ना। पागल वाला अस्पताल में जाके देखना अलाउ नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि वो माँ मंगू को घर पर लेके चले जाती है। तो वही क्वेश्चन है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, कौन सा महीना बहुत लग रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी आ जाए, तो कौन सा महीना था, अगहन महीना था। इसे आपको याद रखना है, क्योंकि जो साधु बाबा थे वो क्या बोल दिए थे कि जो मंगू थी ये अगहन में सही हो जाएगी, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, शहर की कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई है, उसका नाम क्या था, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है कि शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था। यानी शहर में कन्या विद्यालय में वो लड़की पढ़ती थी, और गांव की ही लड़की थी, पागल हो गई थी, और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वो सही हो गई, ठीक है ना। वो लड़की कौन थी, तो आपको याद रखना है कुसुम। और इसी कुसुम के देखा देखी क्या किए थे गांव के लोग, बोले थे कि तुम भी जो मंगू है उसको अस्पताल में भर्ती करो, वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे आप लोग देखिए, 26 नंबर यहां पे क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर किस लिए प्राप्त किया गया। तो मजिस्ट्रेट से बाबू ऑर्डर किस लिए लिया गया था, तो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर क्यों लिया गया था, तो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया जा सके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पागलों को अस्पताल में उपद्रवियों को कहां रखा जाता था, यानी जो ज्यादा पागल थे, जो हल्ला हुल्ली करते थे, उसको कहां रखा जाता था, तो अलग या स्वतंत्र। अलग रखा जाता था और उन्हें खोल के रखा जाता था, स्वतंत्र। इसे आपको याद रखना, अलग रखा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पर क्वेश्चन है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बार अगर आप लोग हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं तो अंदर जाके देखना अलाउ नहीं है, किसने कहा था, तो आपको याद रखना है मजिस्ट्रेट ने कहा था, ठीक है ना, कि अंदर जाके देखना अलाउ नहीं है बार बार, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, अगला क्वेश्चन है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो किसने बाबू जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, तो मां ने नहीं किया। मां को लग रहा था कि जैसे वो शहर की लड़की पागल हो गई थी, ठीक हो जाएगी, वैसे ही मेरी मंगू भी जाएगी शहर में और अस्पताल में भर्ती होगी और वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, नहीं तो मंगू की जो मां थी वो अस्पताल का विरोध ही हमेशा करती थी, तो आपको याद रखना है मां ने, ठीक है ना। यही जो मां है वो अस्पताल का यहां पर विरोध नहीं करती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रात में रोशनी जलते रहने पर इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा। यानी जो आपको याद रखना है कि जो मंगू है अगर लाइट जलते रहेगा ना तो रात भर नहीं सोएगी, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन है कि रात भर रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आएगी, किसने कहा था, तो मां ने कहा था। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। ये है बाबू मां कहानी का यहां पे सब्जेक्टिव, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव आपको कुछ दिन बाद हम आपको पढ़ा देंगे। आज आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। और दो गो चैप्टर है, और इसमें आपको क्या है, एक गो चैप्टर नगर है और दूसरा धरती कब तक घूमेगी। तो दो गो चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, पूरा आपका वर्णिका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे नगर कहानी का थोड़ा सा आप लोग कहानी थोड़ा सा समझ लीजिए दो लाइन में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आपको नगर कहानी में एगो रहती है वल्ली अमाल, गांव की महिला है, इसकी पुत्री है पपाती, ठीक है ना। पपाती को बुखार हो गया है, ठीक है ना, और बुखार कौन सा, तो मेनिनजाइटिस बुखार, जिसमें बचने की संभावना बहुत कम है, अगर सही पे इलाज नहीं किया गया तो आदमी की जान चली जाएगी, ठीक है ना। कहानी बहुत डेंजर है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि नगर कहानी में क्या होता है कि वो गांव की महिला है जिसका नाम है वल्ली अमाल, उसकी पुत्री है पपाती, और उसको लग जाता है एक दिन बुखार और वो गिर जाती है, ठीक है ना। और उसको गांव के जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो गांव के डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसको मेनिनजाइटिस रोग है, बहुत डेंजर बीमारी है। तो गांव का डॉक्टर बोलता है कि इसे शहर ले जाओ इलाज करने के लिए, ठीक है ना। तो इसकी मां क्या करती है, पढ़ी लिखी बेचारी नहीं है, गांव की अनपढ़ लड़की मतलब औरत है, यह आती है गांव शहर में इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और आप लोग जानते हैं कि जब गांव के लोग शहर में जाते हैं हॉस्पिटल में तो केवल घूमते रहेंगे और डॉक्टर लोग क्या करेंगे,
घुमाते रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, इधर भेजेंगे उधर भेजेंगे। तो ये जब आती है शहर में हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, तो इलाज हॉस्पिटल में देखिए इतना लापरवाही होता है उसको, अब इसको बहुत डेंजर बीमारी है, और उसमें के जो कर्मचारी हैं वो इधर घुमाते हैं, मतलब अनपढ़ जान के क्या करते हैं, इधर भेजते हैं उधर भेजते हैं उधर भेजते हैं उधर भेजते हैं, और लास्ट में जो डॉक्टर होता है मेन डॉक्टर वो बोलता है कि जाओ, लिख के भी दे देता है कि जाओ इसको दे दो उसको एडमिट करने के लिए, फिर वहां भी टाइम लगा देते हैं। इतना ज्यादा लापरवाही होता है हॉस्पिटल में कि जो पपाती है वो मर जाती है, ठीक है ना। तो यही कहानी है इसमें, तो ये भी बहुत मतलब अच्छा कहानी था, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं काफी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इतना अगर आप लोग कहानी समझ गए होंगे तो आपको पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, यही कहानी है बस, उसमें क्या किया है घुमा फिरा के आपको बताया गया, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका हम लोग कहानी पढ़ते हैं, कहानी नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, नगर किसने लिखा है, तो एक आपको याद रखने लेखिका है, लेखिका का नाम क्या है, तो आपको याद रखने सुजाता, जो सुजाता हैं इन्होंने ये नगर कहानी लिखा है, और कहां की है सुजाता, तो ये तमिल की हैं, ये भी दक्षिण भारत की हैं, इसे आपको याद रखना है तमिल की। तो नगर कहानी किसने लिखा है, सुजाता ने लिखा है, और सुजाता का दूसरा नाम क्या है, तो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है कि सुजाता का दूसरा नाम क्या है, तो सुजाता का दूसरा नाम एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि नगर कहानी है, नगर जो कहानी है बाबू, जो पपाती वाला कहानी है वो आपको बताना है कहां की है, तो आपको याद रखना है ये तमिल की कहानी है, तमिल आपको याद रखना है कि जो नगर कहानी है ये कहां की कहानी है, तो ये तमिल की कहानी है, इसे आपको याद रखना है, तमिल भाषा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नगर शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र कौन है, यानी जो नगर कहानी है उसमें का मुख्य पात्र कौन है, यानी मेन कैरेक्टर कौन है, तो आपको याद रखना है नगर कहानी का जो मेन कैरेक्टर है ये पपाती है, इसे आपको याद रखना, और पपाती को ही बुखार लगा था, मेनिनजाइटिस रोग है, और पपाती लास्ट में मर जाती है, और पपाती का उम्र कितना है, तो 12 साल है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पपाती को उसकी मां इलाज करने के लिए कौन से शहर लेकर आई थी, यानी पपाती को इलाज करने के लिए जो मां है वो किस शहर में लेके आई थी, तो आपको याद रखना है मदुरै शहर में, ठीक है ना, मदुरै शहर में लाई थी, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी वाला आंसर बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पपाती कहानी की पात्र, यानी जो पपाती है ये किस कहानी की पात्र है, तो आपको याद रखना है कि जो पपाती है ये नगर कहानी की पात्र है, यहां पे सी वाला जो आंसर होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट होगा, इसे आपको एकदम 100% याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, पपाती किस रोग से ग्रसित थी, यानी पपाती को कौन सा रोग हुआ था, कौन सा बीमारी हुआ था, तो मेनिनजाइटिस हुआ था, मेनिनजाइटिस बहुत ही एक वो बुखार होता है ना, तो बुखार में मेनिनजाइटिस सबसे डेंजर बुखार है, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। तो पपाती किस रोग से ग्रसित थी, तो आपको याद रखना है मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित थी, और मेनिनजाइटिस, अब यहां से क्वेश्चन आता है कि मेनिनजाइटिस का संबंध किससे है, यानी मेनिनजाइटिस किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है बुखार, मेनिनजाइटिस यानी बुखार आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मेनिनजाइटिस का संबंध किससे है, तो बुखार से है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि पपाती किस पर और कहां लेटी हुई थी, यानी जो पपाती थी बाबू, ये तो इसको तबीयत खराब हो गया था बेचारी, बेहोश पड़ी थी, तो पपाती कहां पे लेटी हुई थी, तो स्ट्रेचर आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल में, ऐसे डुबरा के ले जाते हैं, ऐसे ढकेल ढकेल के ले जाते हैं, उसमें चक्का होता है, तो जो पपाती थी बाबू वो कहां पर लेटी हुई थी, तो आपको याद रखना है स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, और बेचारी यहीं पर लेटे लेटे मर भी जाती है, तो पपाती कहां पर लेटी हुई थी, तो आपको याद रखना है स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पपाती की उम्र कितनी थी, यानी जो लड़की बच्ची थी पपाती जिसको मेनिनजाइटिस रोग था उसका उम्र कितना था, तो इसका उम्र कितना था, 12 वर्ष था, इसे आपको याद रखना है, बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे बाबू आपका क्वेश्चन है, आप लोग देखिए बिल्कुल एकदम ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, यानी जो पपाती थी बाबू बेहोश पड़ के स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, ठीक है ना, तो पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो इसको मेनिनजाइटिस रोग था, और मेनिनजाइटिस रोग में क्या होता है कि तेज बुखार आता है, ठीक है ना, मेनिनजाइटिस रोग में क्या होता है, तेज बुखार आता है, यानी तेज बुखार आने के कारण जो जो यहां पे पपाती थी ये बेहोश पड़ी थी, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, अगला क्वेश्चन है यहां पे कि अगर पपाती को भर्ती कर लिया जाए तो वह कौन सा नंबर का कमरा होता,
पूरा दे दिया जाता है कि इस नंबर कमरे में अब भर्ती कराना है, लेकिन हॉस्पिटल के कर्मचारी इतने लापरवाही थे कि कागज बनाते रह गए और पपाती क्या हो गई, वहीं पे दम तोड़ दी। इसे आपको याद रखना। अगर पपाती को भर्ती कर लिया जाता तो कौन सा कमरा मिला था पपाती को, तो आपको याद रखना है 48 नंबर कमरा मिला था। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रहेगा ना कि पपाती को अगर भर्ती कर लिया जाता तो उसको कौन सा कमरा मिलता, तो 48 नंबर कमरा मिलता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में, इसे आपको याद रखना है कि पहले दिन पपाती को क्या हो गया था, तो पहले दिन बाबू पपाती को क्या हो गया था, तेज बुखार हो गया था। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो पहले दिन पपाती को क्या हो गया था, बुखार लग गया था। इसे आपको याद रखना है, डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है, वल्ली अमाल से कहां के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था, यानी कहां का डॉक्टर बोला था वल्ली अमाल। वल्ली अमाल कौन है, तो ये पपाती की मां है, ठीक है ना। वल्ली अमाल कौन है, पपाती की मां है। और वल्ली अमाल को किसने कहा कि मदुरै के हॉस्पिटल में ले जाके दिखाओ, तो गांव के डॉक्टर ने, ठीक है ना। गांव के डॉक्टर बोला था कि, गांव के डॉक्टर बोला था कि जाओ अब इसे शहर में ले जाके दिखाओ, क्योंकि इसे बहुत भयंकर बीमारी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पर क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कि वल्ली अमाल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा। तो वल्ली अमाल कौन है, पपाती की मां है, और उसका सिर क्यों चकराने लगा, क्योंकि अस्पताल वाले बहुत दौड़ा दिए, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, यहां ये कागज वो कागज करने लगे, और ये बेचारी सुबह से, अब गांव से कोई जाता है शहर तो खाना पीना तो लेके नहीं जाता है, खाना पीना भी बेचारी नहीं खाती, और गांव में तो स्वच्छ हवा है, उसमें क्या किया था लोग, फिनाइलोलाइल से कुछ कर दिया था, तो इसको महक बहुत तेज लग रहा था हॉस्पिटल में। तो इसे आपको याद रखना है, भूख एवं अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण, यानी हॉस्पिटल में जाइएगा तो उसका महक अलग होता है, क्योंकि वहां पर फिनाइलोनाइल डाला होता है। तो इसके कारण वो क्या हुआ कि जो पपाती है, पपाती की मां है जो वल्ली अमाल, उसका सिर चकराने लगा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, वल्ली अमाल अस्पताल, वल्ली अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में रेजगारी भरकर भेंट करने की मन्नत मांगी थी, यानी जो वल्ली अमाल है, जब मां बाबू मां होती है, ठीक है ना, तो अपने बेटी को ठीक करने के लिए बाबू बोली कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, तो कौन सा मंदिर में बोली कि मैं पूरा एकदम रेजगारी भरकर एकदम भेंट करूंगी, यानी मन्नत किस मंदिर में मांगी थी। तो आपको याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैदीस्वरण में, कहां पर मांगी थी, तो बैदीस्वरण में मांगी थी। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इस जाएगा। किस मंदिर में मन्नत मांगी थी, बैदी शरण में मांगी थी। इसे आपको याद रखना है कि अगर मेरी बेची सही हो जाएगी तो मैं आऊंगी यहां पे मन्नत उतारने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, यानी जो वल्ली अमाल थी बाबू गांव की महिला थी, और वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो ये पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, जिसके कारण और दिक्कत हुआ पपाती को भर्ती कराने में, ठीक है ना। तो वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो आपको याद रखना है कि जो वल्ली अमाल है ये पढ़ना लिखना बेचारी नहीं जानती थी। ए वाला आंसर यहां पर बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि वल्ली अमाल को अपने कैसे पति पर गुस्सा आया कि आज मेरा पति होता तो ये, मतलब ये नहीं होता, ठीक है ना, इतना दिक्कत नहीं होता, पपाती नहीं मरती। देखिए, वल्ली अमाल को अपने कैसे पति पर गुस्सा आया, तो वल्ली अमाल के जो पति हैं बाबू वो मर चुके हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अपने मृत पति पर उसको गुस्सा आता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। वल्ली अमाल को किस पर, कैसे पति पर गुस्सा आता है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि वल्ली अमाल को किस पे गुस्सा आता है, तो अपने मृत पति पर आता है। मृत का मतलब क्या हुआ, मरा हुआ, ठीक है ना। तो मरे हुए पति पर इसको गुस्सा आता है कि आज मेरे पति अगर जिंदा होते तो यह सब दिन हमको देखना नहीं पड़ता, ठीक है ना, और हमारी बच्ची भी नहीं मरती, ठीक है ना, क्योंकि बेचारी जो वल्ली अमाल है ये पढ़ी लिखी नहीं है, और गांव से जब शहर गई तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, वल्ली अमाल किस गांव से आई थी, यानी जो वल्ली अमाल थी ये किस गांव की थी बेचारी, तो वल्ली अमाल जो थी यहां पे मुंडा डप्टी की थी, इसे आपको याद रखना है। मुंडा यहां पे देखिए, मुंडादी पट्टी की थी, इसे आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि जो वल्ली अमाल थी ये किस गांव से आई थी, तो मुंडाटी पट्टी से आई थी, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था, यानी जो वल्ली अमाल थी उसकी बेटी, उस
उसकी लड़की का नाम क्या था, तो वल्ली अमाल की बेटी का नाम क्या था, पपाती था, और पपाती को कौन सा रोग हुआ था, मेनिनजाइटिस रोग हुआ था, ठीक है ना। तो वल्ली अमाल की लड़की कौन थी, पपाती थी। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा, एकदम आपको 100% याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि सुजाता अपनी यहां पे रचना शैली एवं किस चीज के लिए जानी जाती है। सुजाता बाबू कौन है, तो सुजाता जो नगर कहानी है यानी जो पपाती कहानी है उसकी लिखने वाली है, ठीक है ना। और सुजाता का यहां पे पूरा नाम क्या है, असली नाम क्या है, एस रंगराजन है, इन्हें आपको याद रखना है। और ये कैसी कहानी लिखती थी, तो आपको याद रखना है विषय वस्तु, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इसे आपको याद रखना है कि सुजाता अपनी रचना शैली में को कैसी, यहां पे सुजाता अपनी रचना शैली में किस चीज के लिए जानी जाती हैं, तो विषय वस्तु के लिए जानी जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुजाता का जन्म कब हुआ, सुजाता का मतलब क्या, सुजाता का दूसरा नाम एस रंगराजन, एस रंगराजन का जन्म कब हुआ, 3 मई 1935 को हुआ, कहां पे, तो तमिलनाडु में, ठीक है ना। बी वाला आंसर यहां पर बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो कहानीकारक है नगर कहानी के, जो कहानीकारक है यानी सुजाता, उनका पूरा नाम क्या है, तो इस रंग राजन है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि मदुरै पंडित्य लोगों के लिए दूसरी राजधानी है, यह किस पुस्तक में लिखा गया, कि जो मदुरै है ये पंडित्य लोगों के लिए दूसरी राजधानी है, किस पुस्तक में लिखा गया है, तो तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है, और ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसे आपको याद रखना है कि जो मदुरै पंडित्य लोगों के लिए दूसरी राजधानी है और यह किस पुस्तक में लिखा गया है, तो तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यही आएगा कि तुलनात्मक व्याकरण की रचना किसने किया था, यानी जो तुलनात्मक व्याकरण है इसको किसने लिखा था, तो आपको याद रखना है कांडवेल ने लिखा था, इसे आपको याद रखना है। कांडवेल ने लिखा था तुलनात्मक व्याकरण, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, अस्पताल के सभी डैश एक जैसे थे, यानी अस्पताल के क्या सभी एक जैसे थे, तो आपको याद रखना है अस्पताल के जो कमरे थे यानी जो रूम थे सभी एक जैसे थे। अस्पताल में जाइएगा ना तो सभी कमरा एक जैसे ही आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अस्पताल के सभी डैश एक जैसे थे यानी सभी कमरे जो थे बाबू एक ऐसे थे, और पपाती को कौन सा कमरा मिला था, तो आपको याद रखना है उसको 48 नंबर कमरा मिला था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, साइकिल एवं रिक्शा किस ओर बढ़ते जा रहा था, यानी जो साइकिल और रिक्शा था वो किस ओर बढ़ते जा रहा था, तो आपको याद रखना है बस अड्डा की ओर, ठीक है ना, बस अड्डा की ओर बढ़ते जा रहा था, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ देगा, एस रंगराजन का पूरा नाम क्या है, यानी जो एस रंगराजन है इनका पूरा नाम क्या है, तो एस रंगराजन का पूरा नाम सुजाता है। क्या है नाम बाबू, सुजाता है, और सुजाता ने कौन सा पाठ लिखा है, तो नगर कहानी लिखी है, इसे आपको याद रखना है। अब इसका ये क्या है बाबू, सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है, ये सब हम आपको पढ़ा देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन अब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगला हम लोगों का यहाँ पे है अंतिम जो हम लोगों का पाठ है, ये हमारा पाठ है धरती कब तक घूमेगी, और इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 100% समझ में आएगा। अंतिम जो चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, इसका भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, टाइम कम है लेकिन हम आपको जल्दी से बता देते हैं। धरती कब तक घूमेगी, इसमें क्या है बाबू, एक औरत है सीता, ठीक है ना, सीता है, इसके पति थे बेचारे, पति मर जाते हैं, सीता के कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं, ठीक है ना, तीनों का शादी हो गया, ठीक है ना, और तीनों की अपनी अपनी बहू है, और जब आप लोग जानते हैं कि बहू जब घर में आती है तो क्या करती है, कलेश मचा देती है, पूरा झगड़ा लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, तो इसके घर में झगड़ा लड़ाई स्टार्ट होता है, तीनों बेटा अलग अलग रहने लगता है। अब मां का क्या होगा, तो मां क्या 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 करता है, लोग कि एक महीना एगो बेटा रखता है, फिर दूसरा महीना एगो बेटा रखता है, फिर तीसरा महीना एगो बेटा रखता है, फिर ऐसे ही एक एक महीना रखता है, फिर उसमें भी दिक्कत आता है। अब बोलता है लोग कि मां जो है ये अपने खुद खाना बना के खाएगी, इसको 50-50 रुपया दिया जाएगा, यानी जो मां है बाबू सीता, इस
इसको पूरी तरीके से दुख दिया जाता है, एकदम पूरा एकदम दुख दिया जाता है सीता को। तो लास्ट में जब ये सुनती है कि अब हमको 50-50 रुपया मिलेगा, तो ये सोचती है कि जब हमारे बेटा ही हमको भीख देंगे तो क्यों नहीं हम बाहर जाके अपने मर्जी से हम जिएंगे जो बचा हुआ जिंदगी है। तो ये बात सुनती है कि 50-50 रुपया अब हमको महीना का खर्च मिलेगा तो, और हमको अलग बना के खाना पड़ेगा अपने हाथ से, तो उसी समय क्या करती है, रोते हुए आसमान को देखती है, आंसू पोंछती है और घर छोड़कर क्या होती है, चली जाती है। कहानी बहुत डेंजर है, ठीक है ना, आप लोग ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप लोगों को जो मम्मी पापा हैं वो सबसे अच्छे हैं और सभी को आपको क्या करना है, एकदम इज्जत देना है, ऐसे लड़के नहीं बनना। मतलब ये कहानी का मतलब क्या है, कहानी यही है आपका कि मतलब आप लोग भी मतलब इससे बच्चों को सीख मिलेगा कि आप लोग ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है ना। तो ये सभी बच्चे एक बार आप लोग वादा करेंगे कि ऐसे आप लोग कभी भी नहीं करेंगे, जो माता पिता होते हैं ये सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग बोलिए, उसके बाद हम यहां पे आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए नीतीश भाई बहुत बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी से एक बार आप लोग बोलेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे सर, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार आप लोग बोल दीजिए, उसके बाद हम यहां पे स्टार्ट करते। काहे नहीं कमेंट चल रहा है, ओके सर ठीक है ओके। चलिए ऐसे बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, कहानी सुन के ही हालत खराब हो जाता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल अभी हम लोग यहाँ पे कहानी को, ये कहानी इसीलिए दिया गया ना कि अभी आप लोग छोटे छोटे हैं, आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि किसी को अकेला छोड़ देने से कैसे लगेगा, ठीक है ना। जब आपको जरूरत है तो आपके मम्मी पापा आपको सब चीज कर रहे हैं, फिर उनको, फिर उनका भी क्या होता है कि मतलब शरीर थक जाता है, वो लोग भी जब बैठ जाते हैं तो उनको कौन करेगा, उस समय जब आप लोग नहीं करिएगा तो उनका कोई नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब आप लोग छोटे हैं तो आपको कौन करता है, तो आपके मम्मी पापा करते हैं। फिर मम्मी पापा भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है ना, वो बालक अवस्था में जाने लगते हैं, तो उनको कौन करेगा, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि उनको करें, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए तो यहां पे पहला क्वेश्चन यहां पे हम यहां पे लगा दिए। पहला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है। तो धरती कहानी कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी के बाबू रचनाकार कौन है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इसका ऑप्शन नीचे नीचे है, ठीक है ना। तो धरती कहानी, धरती कब तक घूमेगी बाबू किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है सावर दहिया, ठीक है ना। और सावर दहिया कहां के थे, तो ये राजस्थान के थे, इसे आपको याद रखना है। और धरती कब तक घूमेगी कहां से लिया गया है, तो ये राजस्थान से लिया गया, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला यहां पर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, यानी धरती कब तक घूमेगी बाबू इसकी मेन नायिका यानी प्रमुख एक्टर कौन है, तो आपको याद रखना है सीता है, ठीक है ना। और सीता के कितने लड़के हैं, तीन लड़के हैं, इसे आपको याद रखना है। तीन लड़के होते हुए भी सीता को कोई भी नहीं देखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहां से संकलित है, कहां से लिया गया है जो धरती कब तक घूमेगी कहानी है, तो आपको याद रखना है समकालीन कहानी से, समकालीन भारतीय साहित्य से, ठीक है ना, समकालीन भारतीय साहित्य से यह लिया गया है। यहां पर सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल एकदम 100% यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल सर जी हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल आप लोगों को करना भी नहीं है, नहीं तो हम आएंगे तो बहुत पीटेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो बाबू ये समाज के बारे में दर्शाया गया है कि समाज में मां के साथ क्या क्या होता है, इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी बाबू कैसी कहानी है, तो आपको याद रखना है ये एक सामाजिक कहानी है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इस जाएगा, इसमें समाज के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता किस कहानी की एक प्रमुख पात्र, यानी जो सीता है ये किस कहानी में है, तो सीता जो है बाबू ये धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी का मतलब क्या हुआ कि ये भी बेटे के पीछे पीछे घूमती थी। एक बेटा एक महीना रखता था, फिर दूसरा बेटा एक महीना रखता था, तीसरा महीना एक बेटा, यानी ये घूमते रहती थी। तो यही पाठ का भी नाम रखा गया है, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है ना। तो सीता किस कहानी का मुख्य पात्र है, तो आपको याद रखना है धरती कब तक घूमेगी, ठीक है ना। सी वाला आंसर यहां पर बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के तीन लड़के थे, या ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि तीन बेटे की
की मां कौन थी? तो तीन बेटे की मां कौन थी? सीता थी। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सीता क्या खुरचने लगी, यानी जो सीता है बाबू, ये सब बहु बहू का बात सुन के, ये सब ताना डेली सुन के क्या खुरचने लगी? तो जो सीता है आपको याद रखना है, ये जमीन को हाथ से ऐसे खुरचने लगी, इसे आपको याद रखना है। तो सीता बाबू क्या खुरचने लगी? तो जमीन को खुरचने लगी, इसे आपको याद रखना है। जब काम नहीं रहता है तो आप लोग देखते हैं ना, ऐसे ऐसे जमीन पे ऐसे करने लगते हैं, ठीक है ना, जब टेंशन में होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन ये आता है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता का बाबू बड़का लड़का का नाम क्या था? कैलाश था। इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे, अगला यहां पे क्वेश्चन है बाबू, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। बोर्ड एग्जाम में आता है कि सीता का वो कौन सा लड़का है जो हमेशा चुप रहता था, तो आपको याद रखना है बिज्जू। जो बिज्जू है बाबू, ये एकदम चुप रहता था, ठीक है ना, और ये सबसे छोटा लड़का था। कैलाश बड़ा था, नारायण बीच वाला था, अब बिज्जू सबसे छोटा था, इसे आपको याद रखना, और ये चुप रहता था। अगला क्वेश्चन है, सीता को रसमलाई किसने भेजी थी, यानी जो सीता है बाबू उसको रसमलाई किसने भेजी थी? तो आपको याद रखना है नारायण की पत्नी। और ये क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है एकदम, इसे आपको याद रखना है कि सीता को रसमलाई किसने भेजी थी? तो नारायण की जो पत्नी है पुष्पा, उसने भेजा था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि सीता रुवासी क्यों हो गई। सीता रुवासी का मतलब होता है उदास। सीता जो है ये उदास क्यों हो गई थी? तो अपना काला ओढ़ना देकर, क्योंकि इसको काला काला ओढ़ना, मैल कुचैल ओढ़ना दिया जाता था ओढ़ने के लिए। तो सीता जो है बाबू ये रुवासी क्यों हो गई? तो अपना काला ओढ़ना को देखकर जो सीता है ये रुवासी हो गई, उदास हो गई, रोने लगी, इसे आपको याद रखना है। जैसे रोने वाला नहीं होता है, जैसे आंख भर जाता है, उसे ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सीता के हाथ में अब क्या नहीं था, यानी सीता के हाथ में बाबू अब क्या नहीं था? तो सीता के हाथ में मरना नहीं था, ठीक है ना, मतलब तो सीता के हाथ में अब क्या नहीं था? तो सीता के हाथ में अब मरना नहीं था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महावारी खर्च देने का निर्णय लिया, यानी सीता को कितना रुपए महीना खर्च देने का निर्णय लिया तीनों बेटा ने? तो 50 रुपया महावारी खर्च देने का, 50-50 रुपया दिया जाएगा मां को, मां अलग बना के खाना खाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अगले दिन सीता ने क्या किया, जब सुनी कि बेटा लोग अब हमको 50-50 रुपया देगा और बोलेगा अलग बना के खाओ, तो सीता क्या की? अगला दिन उठी और रोते हुए घर से चली गई, घर छोड़ दी, इसे आपको याद रखना है। तो सीता ने अगले दिन क्या किया? तो सीता ने क्या किया बाबू, अगले दिन अपना घर छोड़ दी और चली गई, घर छोड़कर, तीनों बेटा को छोड़ के चली जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आज सीता के चारों ओर डैंस थी, यानी जब घर छोड़ के गई तो सीता के चारों ओर क्या थी? वो एक घर में रहती थी और चारों बगल से डेली गाली गलौज होता था, एकदम घुटन घुटन महसूस होता था, लेकिन जब वो घर छोड़ के गई तो उसको लगा कि एकदम हवा आ रहा है चारों बगल से, उसे अच्छा लगा, ठीक है ना। तो आज सीता के चारों ओर खुली क्या थी? तो एकदम खुली हवा थी, इसे आपको याद रखना है। बेटा बहू उसे अब झगड़ा नहीं करते थे, झाड़ के नहीं बोलते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सावर दहिया किस पाठ के कथाकार, यानी जो सावर दहिया है वो कौन से पाठ लिखे हैं? तो आपको याद रखना है धरती कब तक घूमेगी, ठीक है ना। सावर दहिया क्या लिखे हैं? धरती कब तक घूमेगी लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सावर दहिया किस भाषा के कहानीकार हैं? तो सावर दहिया आपको याद रखना है राजस्थान के हैं, तो ये राजस्थानी भाषा के, ठीक है ना, राजस्थानी भाषा की ये कहानी कारक हैं। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक मां, किस कहानी में? तीन बेटे की मां, यहां पे क्या है? तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक मां, किस कहानी में है? तो आपको याद रखना है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी में ही तीन बेटे हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सभी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि नाहर सिंह जी के दिन वाले, नाहर सिंह एक दिन है, मतलब नाहर सिंह जी के दिन वाले, ठीक है ना, मतलब ये क्या है, उस दिन विशेष दिन था नाहर सिंह जी के दिन वाले। तो नाहर सिंह जी के दिन वाले खाते समय सीता को क्या बिल्कुल फीका लगा, सीता को क्या बिल्कुल फीका लग रहा था? तो लपसी बना हुआ था, तो लपसी जो था ना बाबू एकदम फीका लग रहा था सीता को, किस दिन फीका लग रहा था? तो नाहर सिंह जी वाले दिन को, लक्ष्मी को जो क्या हुआ था कि जो मतलब लपसी बना हुआ था फीका लग रहा था, इसे आपको याद रखना है, लग रहा था उसमें चीनी नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सवाल किस चीज का है? तो बाबू सवाल जो है हमेशा रोटी का है, इसे आपको याद रखना है।
सवाल किसका है, तो सवाल रोटी का है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, किसने कहा, यानी जब सीता दूसरे बेटे के पास रहती थी, यानी सीता क्या करती थी, एक महीना इस बेटे के पास, एक महीना इस बेटे के पास, एक महीना इस बेटे के पास, तो इसी में नारायण की जो पत्नी थी पुष्पा, एक दिन वो क्या की, मतलब उसके उसके वहां पर सीता नहीं रह रही थी, दूसरे बेटे के पास रहती, तो नारायण की पत्नी क्या करती है, रसमलाई भेजती है, ठीक है ना, किसके लिए, सीता के लिए। तो ये कौन बोलती है जब सीता के पास रसमलाई आता है, तो कौन ताना मारती है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी होगी, यानी वो ज्यादा अमीर है, अमीरी दिखा रही है कि हम रसमलाई सीता को खिला रहे हैं, ठीक है ना, सास को। तो ये कौन बोलती है, तो आपको याद रखना है बिज्जू की जो पत्नी है पुष्पा वो बोलती है, इसे आपको याद रखना है। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, पुष्पा था, इसे आपको याद रखना है, बी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, तो आपको याद रखना है कैलाश की पत्नी ने, ठीक है ना, कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, अगला क्वेश्चन है कि नारायण की पत्नी का नाम क्या था, यानी जो तीन गो बेटा था, कैलाश, नारायण, बिज्जू, तो नारायण की पत्नी का नाम क्या था, भावरी था, इसे आपको याद रखना है, क्या था, भावरी था, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, तो बिज्जू की बाबू पत्नी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है पुष्पा था, बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था, इसे आपको याद रखना है। नारायण की पत्नी का नाम भौरी था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, किसने सोचा कि आकाश अनंत नहीं है, सॉरी आकाश अनंत है, यानी जो आकाश है बाबू अनंत नहीं है, ठीक है ना, किसे लगा कि आकाश जो है बाबू ये अनंत नहीं है, तो आपको याद रखना है ये सीता को लगा, सीता को लगा कि आकाश अनंत नहीं है, ये भी एक जगह पे जाके खत्म होता है, ठीक है ना, यही सोची वो। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भुनती हुई दाल देकर सीता को लगा कि वह भी डैश होती जा रही है, यानी जब कैलाश की पत्नी वो क्या कर रही थी, दाल भून रही थी, कैलाश की पत्नी नहीं, दाल का हलवा बनाया था, तो दाल जब भून रही थी तो सीता देखती है भुनती हुई दाल को, तो लगता है कि हम भी दाल की तरह ही भून रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। तो भुनती हुई दाल को देखकर जो सीता है वो भी लग रहा है कि वो भी क्या हो रही है, भून रही है, ठीक है ना, उसको लगता है कि मैं भी भून रही हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या सब कुछ बता देती है, तो जो आंखें हैं बाबू ये सब कुछ बता देती है, इसे आपको याद रखना है, जो आंखें हैं वो सब कुछ बता देती हैं, सीवल आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यह बात अच्छी नहीं लगती है कि मां महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही, किसने कहा, किसने कहा था कि यह अच्छा नहीं लगता है कि मां महीने भर इधर उधर लुढ़कते रहे, उसको एक जगह रख दो और 50-50 रुपया दे दो, खा लेगी, ठीक है ना, किसने कहा, तो आपको याद रखना है ये किसने कहा था, कैलाश ने कहा था, कैलाश कौन था, तो सीता का बड़ा लड़का था, ये और बदमाश है लग रहा है, ठीक है ना, बोलती है, बोल रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है कि मां इधर उधर लुढ़क रही है एक एक महीना, उसको एक जगह कर देते हैं और 50-50 रुपया दे देंगे, बेचारी खाते रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग लेंगे, अगला क्वेश्चन यहां पे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी है, लास्ट है यहां पे, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि आंख भर आई भरी आंख पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा, भरी आंख मतलब अब बोलता है लोग कि 50-50 रुपए देंगे, तो उसका आंख जो है बाबू आंसू से भर आता है और आकाश को ऐसे देखती है और बोलती है आकाश भी अनंत नहीं है, ठीक है ना, तो आंसू पोंछती है, ठीक है ना, और वो घर से अगले दिन क्या करती है, निकल जाती है, ठीक है ना, तो भरी आंखें पोंछकर आकाश की ओर किसने देखा, तो सीता ने देखा, इसे आपको याद रखना है, सी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अभी यहां पे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सभी चैप्टर का यहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रेडी हो चुका है, जो भी बच्चे पीडीएफ खरीदे हैं उनको ये दिया जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास कैसा लगा आप लोग जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताइए सभी बच्चे, ठीक है ना। तब तक हम यहां पर कितना है जी, कितना पढ़ा दिए, सभी आपको समझ में, इसमें याद करने का ना बाबू दो ये चार गो, एक गो पाठ में ना दो गो तीन गो क्वेश्चन आपको याद करना होगा, बाकी ये सब कहानी है, कहानी की तरह अगर आप समझ गए होंगे तो सब आप लोग यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार आप लोग वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए, एमडी धीरज रोए, सभी बच्चे क्या करेंगे एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मजा आ जाए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, पप्पू सर आप हमको ब्लू टिक नहीं दे रहे, पप्पू प्रजापति भाई ये गजब बात है, ब्लू टिक लेके बाबू का करबो,
राजू राजू बहुत बढ़िया, गेमिंग 6800 के बहुत बढ़िया यार, मोबाइल में कहीं नहीं कमेंट चल रहा है। अभी मोरिया बहुत बढ़िया, बारात में आना है। बारात आप लोग छोड़ दीजिए ठीक है ना, बारात आप लोग छोड़ दीजिए, ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा पढ़ाई करो घर पे बैठ के, नहीं तो यही लास्ट टाइम है, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अंजलि बहुत बढ़िया, गौतम यहाँ से कमेंट भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अरे मोबाइलवा में कहे नहीं चलत। ब्यूटी बहुत बढ़िया, अंकुश, हरे राम, मैथिली, सुजीत भाई बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, आपको पढ़ा दिया गया, इससे एकदम आपको काफी अच्छी तरीके से याद कर लिए जाए कर लीजिएगा आप लोग ठीक ना। इसमें याद करना नहीं होता है, कहानी की तरह हम आपको समझा दिए, बस आपको ले लेके इसको हफ्ता में एक बार आपको पढ़ लेना है, आपका हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ जिनको लेना है वो इस नंबर पर आप लोग देखिए, पीडीएफ अगर लेना है सभी विषयों का तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 87 97 97 2700 ठीक है ना, इस पे क्या लगा है बाबू, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसका नाम सेव करिएगा, हमारा आंसू सर लिखिए, सेव करिए और व्हाट्सएप पे जाइए, इस पे देखिएगा ना कि जहां फोटो लगता है वहां पे स्कैनर लगा है, स्कैनर पे 249 रुपया आपको क्या कर देना है, डाल देना है, और स्क्रीनशॉट आएगा डालने के बाद, तो उसको आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना। अगर आप नहीं चलाते तो दूसरा किसी से डलवा दीजिएगा, आप फोटो खींच के चाहे स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हम आपको जोड़ देंगे 12 घंटा के अंदर ठीक है ना, कभी नहीं डालते डालते एकदम बेचैन हो जाएगी सर दीजिए, तो ऐसे भी नहीं होता, क्लास करवाना होता है ठीक है ना, तो ये आप लोग कर लीजिएगा ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, एकदम आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पूरा 1 से लेके 5 चैप्टर तक हम आपको पढ़ा दिए हैं ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ना काफी जरूरी है, काफी अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक है ना। इसका पीडीएफ देखिए, पीडीएफ हम नहीं दे पाए हैं, रात में एकदम दे देंगे, उस दिन का मैथ का सब्जेक्टिव था ठीक है ना, ये हो गया आपका हिंदी का, फिजिक्स का मतलब भौतिकी का आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सब हम आपको देंगे ठीक है ना, तो आप लोग रुक जाइए, हम आपको दे रहे हैं ठीक है ना। तो जो भी बच्चे पीडीएफ लिए आपको घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, 8:30 बजे आपका क्लास होगा ठीक है ना। कब बाबू आपका क्लास होगा, तो 8:30 बजे मैथ का क्लास होगा, एकदम दमदार, 4 क्लास करवा दिए, 5वां क्लास आज होगा ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।